हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक्चुअली क्या है कि मेरे इस चैनल पे व्लॉग वीडियो एक भी नहीं आ रही है, सारी वीडियोस टेक से रिलेटेड आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं घूमने जाऊँ और जहाँ भी जाऊँ बस आप लोग को दिखाऊँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? ये हमारा एक ब्लॉग वीडियो है, ये हमारा टेक वीडियो नहीं है। मैं आपको बोर करने वाला नहीं हूँ। तो मैं अभी आया हूँ, मेरे पीछे जो नज़ारा देख सकते हैं वो माँ गंगा का नज़ारा है। और मैं अभी पटना में आया हूँ जहाँ पर मेरा होम टाउन है। तो अभी मैं आया हूँ NIT घाट। तो अभी आप मेरे साथ पूरा वीडियो पे बने रहना, NIT घाट का पूरा आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मैं कहाँ से आया हूँ, कैसे आया हूँ और क्या क्या आज दिन भर करता हूँ, मैं पूरा वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत कुछ देखोगे आप इस वीडियो में। जैसा कि देख सकते हो कि मैं काली घाट पे आया हुआ हूँ, इसको गंगा घाट भी बोला जाता है। काली घाट और सारा कलेक्ट्रिएट घाट सब यही लाइन में है सारा। तो ये जो अभी मैं हूँ ये गंगा घाट पे हूँ और इसको NIT घाट भी बोला जाता है। तो NIT घाट के पास अभी मैं घूम रहा हूँ और आप एंट्रेंस देख सकते हैं, मैं यहाँ से एंट्री किया हूँ और ये मेरा फ्रेंड जो है आगे आगे चल रहा है। एक्चुअली मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे गाने बज रहे थे और गानों की वजह से कॉपीराइट नहीं आए, इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो आप ये जो सामने ओवर ब्रिज देख रहे हैं दोस्तों, ये गंगा के किनारे किनारे और सारे घाट को क्रॉस करते हुए ये दिघा से कनेक्ट हो करके आपको बांस घाट की तरफ जाती है ये ब्रिज। तो ये ब्रिज कुछ दिन पहले ही ओपन हुआ है, पहले ये इस पर काम चल रहा था। एक्चुअली इसके ठीक पैरेलल में एक और ओवर ब्रिज बन रहा है, ये मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना क्लियर पता नहीं है कि ये ओवर ब्रिज जो पैरेलल में बन रहा है वो किस चीज़ के लिए बन रहा है। या तो फिर ये एक और लाइन बन रहा होगा कि जो कनेक्ट करेगा दीघा से बांसघाट और सिटी पटना, सिटी पटना साहिब के लिए, तो शायद उसके लिए बन रहा हो, उतना तो आइडिया नहीं है। और पूरी वीडियो में आप बने रहना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बहुत टाइम के बाद में ये ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, माँ गंगा के किनारे जब भी आप खड़े होते हो और उसकी जो पानी की जो आवाज़ आपके कानों में जाती है तो उससे बहुत ही आनंद आता है, मन करता है कि यहाँ से जाऊँ ही ना। और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सामने जो नौका आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, ये दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और बहुत ही कम देखने का मौका मिला है मुझे। लेकिन यहाँ पर रियलिटी में जो महसूस होता है ना, वो शायद वीडियो में ना हो, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ ये सारी चीज़ें। दोस्तों, जो अभी मैं आपने देखा जो नज़ारा, अभी मेरा चेहरा ठीक से पता नहीं चल रहा होगा, अभी जो आपने नज़ारा देखा वो बहुत ही दिल दहला देने वाला। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो जो आग जल रहा है ना, वो आग नहीं, वो चीता है किसी का, किसी की बॉडी उसमें जल रही है। तो ये मैं शमशान घाट पर आया हुआ हूँ और ये गंगा, माँ गंगा के किनारे है। और मुझे देख कर ये थोड़ा लगा कि एक न एक दिन तो हर एक इंसान को इस शमशान घाट पर आना ही आना है। अच्छे कर्म करते हैं वो लोग, बुरे कर्म करते हैं वो लोग, कितने अमीर है कितने गरीब है ये मैटर नहीं रखता है, वो सब लोग यहीं पे आते हैं। यहाँ पे खड़ा था बहुत, मतलब बहुत टाइम के बाद का, मैं समझो कि पहली ही बार आया यहाँ पे, और बड़ा अजीब लग रहा था कि यार कुछ भी करो, कितना भी नाम कमा लो, कितना भी ईमानदार हो लो, कितना भी अच्छा हो लो, कितना भी बुरा हो लो, एक दिन ना एक दिन तो यहाँ पे आना ही आना होता है सबको। चलिए, फॉलोअर्स कम कर दीजिए। बस थोड़ी देर यहाँ पे था, अब थोड़ा दूर में ही था ताकि थोड़ा आगे नहीं जा सकता कुछ पे, अभी मैं मतलब आगे जाने के बाद थोड़ा होता है ना, फिर वो सारा फिर आपको करना पड़ेगा, नहाना वहाना पड़ेगा। मैं दूर से ही देख करके मैं एहसास ले रहा था कि हाँ ऐसा भी होता है कि आप कितना भी आप घमंड कर लो, कितना भी एटीट्यूड रह लो, सारा घमंड सारा आपका एटीट्यूड यहीं पे रह जाता है, जाता तो बस आपका बॉडी तक नहीं जाता भाई। अभी मैं जा रहा हूँ वापस वहाँ, मतलब एग्ज़िट करूँगा यहाँ से काली NIT घाट से। NIT घाट से एग्ज़िट करते टाइम एक मंदिर है, वहाँ पे आरती होगी, अगर आरती अटेंड कर पाया तो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा। और ये था हमारा पूरा पीछे का जो नज़ारा है वो NIT घाट के साइड का है, और भी कुछ कुछ मैं क्लिप्स ऐड कर दूंगा। और मैं पटना का इस वक्त NIT घाट से मैं अब जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। तो आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारा और भी अच्छा अच्छा वीडियो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो, या मैं अभी पटना में जितना दिन मैं रहूँ उतना दिन मैं कहीं भी घूमूंगा तो आपको मैं दिखाऊँगा। थोड़ा सा इंटरेस्टेड अच्छा लगा तो हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना दोस्त, ठीक है। और तुम्हें पटना में क्या क्या चीज़ें देखनी है, पटना में तुम्हें क्या चाहिए, क्या देखना चाहते हो, वो सारा बताना। मैं वहाँ पे जा कर के वीडियो शूट कर दूँगा अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो। कमेंट करना, तुम्हारे लिए तो कुछ भी, कहीं भी जा सकता हूँ मैं, मतलब तो पटना के अंदर फ़िलहाल भाई, जहाँ रहूँ जहाँ हूँ वहीं पर। तो बस मैं और मेरे साथ ये दोस्त मेरा चल रहा है मेरे साथ, ठीक है। फिर मैं मंदिर में मिलता हूँ आप लोग से, बाय। और ये रहा कुछ एनआईटी घाट का नज़ारा, जो आप देख सकते हैं नीचे क्रेन जो है चल रही है धीरे धीरे, और ऊपर से वो एक ब्रिज तो बन गया है, वो गाय घाट से कनेक्ट होकर के सीधा एनआईटी घाट। ये आपका इस कैम्प सही है। तो घूमते हुए बहुत काफ़ी रात हो चुकी थी और हमने तय किया कि अभी अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारे सामने गांधी घाट का ये बोर्ड लगा हुआ है, एक्चुअली गांधी घाट एनआईटी घाट इसी को बोला जाता है, और यहाँ पे काली घाट भी है, इसके बाद फिर कलेक्ट्रिएट घाट भी है, मतलब 10-15 घाट लाइन से लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और हमारा दोस्त आगे बैठ कर स्कूटी ड्राइव कर रहा है और मैं पीछे बैठ चुका हूँ क्योंकि मैं शूट कर सकूँ अच्छे से और आप लोग को दिखा सकूँ। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये काली घाट सॉरी एनआईटी घाट से निकलते हुए पटना में, ये पटना के रास्तों पे चलेगा। और मैं जैसे पटना के रास्तों पे अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि मेरा मैं एक साल के बाद पटना आ रहा हूँ, तो अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या क्या हो रहा है वो मैं आप लोग को दिखाते। भाई ये जो ओवर ब्रिज देख रहे हो ना, ये आपको अशोक राजपथ अभी है, अशोक राजपथ से मैं चल रहा हूँ। तो ये जो ब्रिज है ओवर ब्रिज, अशोक राजपथ से होते हुए ये गांधी मैदान जो आगे है वहाँ पे ये कनेक्ट होता है सीधा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा जाम हो जा रहा था, इसी के कारण ये ओवर ब्रिज बनाया गया है। और ये जो ओवर ब्रिज की जो खास बात है, डबल डेकर ओवर ब्रिज है, क्योंकि नीचे से तो गाड़ियाँ चलेंगी और ऊपर से भी गाड़ियाँ चलेंगी, तो दोनों तरह से इसको इंतजाम किया गया। और ये बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में, और ये जब पूरा बन के जब तैयार हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये साइड में देख रहे हो आप, शायद कोई मस्जिद कुछ टाइप का बना हुआ है, और ये ओवर ब्रिज पे भी काम चल रहा है, शायद 1-2 साल और लगेगा ये पूरा कम्प्लीट होने में। तो अभी मैं अशोक राजपथ के साइड से जा रहा हूँ, जो पटना में जो रहते हैं लोग वो अच्छे से जानते हैं इस रोड को, कितना ज़्यादा जाम रहता है यहाँ पर, और अभी तो बहुत ज़्यादा जाम है, आप रास्ते में हो तो ज़रूर देखोगे। चलो सीधा मिलते हैं, इस रोड को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। ओवर ब्रिज जैसा ही कंप्लीट होता है उसके बाद फिर मैं आता हूँ आपके पास। और दोस्तों ये फाइनली गांधी चौक पहुंच चुका है, गांधी मैदान के जस्ट इधर ही है, कलेक्ट्रेट कोर्ट के पास गांधी चौक हमारा ये है। और यहाँ से आपको चिड़ियाटाड़ पुल, पटना जंक्शन, और ये हमारे साइड में जो देख सकते हैं ये रिजेंट सिनेमा हॉल और मोना सिनेमा हॉल यहीं पे है हमारे पटना का। मोना सिनेमा आप देख सकते हो, मैंने जूम करके आपको दिखाया। और चलिए चलते हैं इधर से चिड़ियाटाड़ पुल होते हुए, अभी हम लोग जाएँगे अपने घर के साइड। दोस्तों हम लोग ऑटो स्टैंड से पहले क्रॉस कर रहे हैं और ये देख सकते हैं रघुनाथ स्कूल और मेदांता हॉस्पिटल इधर ही आपको दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड में दिखाया, नोटिस बोर्ड में। और ये सामने इधर चला जाता है हमारा मेदांता हॉस्पिटल और रघुनाथ स्कूल, एक है बहुत ही फेमस है, लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल है इस साइड। और ये जो शानदार रोड बनी हुई है, पहले इस तरह की नहीं थी, बहुत ही घटिया रोड थी यहाँ पर, अभी बहुत अच्छा यहाँ पर बना दिया गया है। और ये पाटलिपुत्रा स्टेडियम होते हुए हमारा ये सड़क निकल जाएगा हमारे घर की तरफ।
तो दोस्त अब मैं अपने घर पहुंचने वाला हूं, बस एक सेकंड में, एक दो मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो हमारा वीडियो आज का कैसा लगा? ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो था, बस छोटा सा वीडियो था, ये कुछ बड़े लेवल पे नहीं था। एक्चुअली कुछ टाइम बाद मैं अभी बस 10 दिन के बाद मैं बड़े लेवल का एक जाने वाला है, जिसमें मैं अपने पूरे विलेज साइड को एक्सप्लोर करूँगा। वो वीडियो देखना, तब तक की टेक वीडियो आधी रहेगी। और हमारे वीडियो पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारे वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखो और अच्छे से रहो।